प्रदूषण की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। ये है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। तो पहले बात करते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान क्या हुआ। तो जो बारिश की गतिविधियां थी वो उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सारे इलाकों में काफी अच्छी हुई, और ऐसे ही केरला में, तटीय कर्नाटका और गोवा के आसपास के इलाकों में, यानी कि दक्षिणी कोकण गोवा में काफ़ी अच्छी बारिश हुई। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, वेंगुर्ला, गोवा, होनावार, कारवार और मैंगलोर, कोझिकोड, इन सारे इलाकों में भारी बारिश हुई। बहराइच में काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश हुई, उत्तर प्रदेश में 101 मिलीमीटर थी। और इसी तरह गोरखपुर, वाराणसी और बिहार में पटना, भागलपुर, चंपारण, इन सारे इलाकों को काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली। तो वेदर सिस्टम देखते हैं पहले, तो कोई पश्चिम विक्षोभ नहीं है। क्या होता है कि जब मानसून आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो पश्चिम विक्षोभ आना बंद हो जाते हैं। लगभग अगर आते हैं तो एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कमजोर होते हैं। और अब एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब के आसपास बना हुआ है। और यहाँ से देखिए एक तरफ रेखा जा रही है जो सिंध तक जा रही है, और सिंध के आसपास भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। नमी वाली हवाएं इस तरह से राजस्थान वगैरह में नमी बढ़ा रही हैं, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना इस इलाके में नज़र नहीं आ रही है। हालांकि जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, इस इलाके में बारिश हो सकती है। कल हिमाचल प्रदेश के एक दो इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी। तो अब ये क्या हो रहा है कि जो ट्रफ रेखा इस पंजाब वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन से यहाँ तक आ रही है, यानी कि बंगाल तक आ रही है, बंगाल की खाड़ी तक आ रही है, और एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो नॉर्थ वेस्ट छत्तीसगढ़ के ऊपर है। तो अब ये जो है ये लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन के ये उत्तर प्रदेश के ऊपर आएगा, और एक तरफ रेखा आगे जा रही है। और आप देखिए कि नमी वाली हवाएं इस तरह बंगाल की खाड़ी से पूरे उत्तर, यानी कि पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में नमी बढ़ा रही है। तो उत्तर पूर्वी भारत में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है, आगे भी अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। खास करके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश होगी। बिहार और पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेंगी, यानी कि मानसून इस जगह पर एक्टिव रहने की उम्मीद है। बिहार के कई भागों में अच्छी बारिश की संभावना है। झारखंड में क्योंकि येलो प्रेशर एरिया इस जगह पर है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में अच्छी बारिश होगी। गोरखपुर से लेकर के वाराणसी और सोनभद्रा, भदोही और प्रयागराज आप कह सकते हैं, और उसके आसपास बहराइच वगैरह, यानी कि जो इस तरह के इलाके हैं, जो तराई वाले इलाके हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश है। और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में भी जो है, यानी सतना, सीधी, इन सहदोल, इस इलाके में भी अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि ये अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, यानी कमजोर पड़ जाएगा, तो जो पुश था, यानी कि मानसून का जो पुश था, मानसून कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ भागा था, अब उसमें ब्रेक लगने वाले हैं। दिल्ली NCR को इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग ने 15 जून बताया था दिल्ली में मानसून पहुंचने की तारीख, लेकिन हमें लग रहा है क्योंकि बारिश की गतिविधियां रुक गई हैं और बहुत कम हो रही हैं, यानी प्री मानसून जैसी बारिश अभी भी हो रही है कुछ इलाके में, दिल्ली NCR अभी भी सूखा पड़ा है, तो इस इलाके में अभी मानसून को पहुँचने में कुछ समय लग सकता है। उसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और जो कल बारिश होने वाली थी वो नहीं हुई, उसका कारण है जैसे हमने पहले भी बताया था कि ये जो मानसून या एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जिसको कहते हैं, ये फ्लक्चुएट होती है, कभी उत्तर में जाती है, कभी दक्षिण में जाती है, ऑसिलेशन जो इसका होता है उसके कारण बारिश का भी जो रेन बेल्ट है वो भी शिफ्ट होने लग जाता है। कल हमने देखा था कि दोपहर के बाद से शाम तक उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलने लगी थी, जिससे कि ये जो मानसून करंट है रुका था, और अभी भी फ्लक्चुएट कर रही है हवाएं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में तो हल्की से मध्यम बारिश होगी, और पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाके, उत्तरी राजस्थान में भी हल्की बारिश कुछ इलाकों में बौछारें, गरज चमक हो सकती है। दिल्ली NCR में भी गरजने वाले बादलों के साथ कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद ना करें, और बहुत मतलब कहने का मतलब है कि राहत बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये अगले 2-3 दिनों तक के सीन है, यानी कि 16 जून तक इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है, 16 या 17 जून तक, और उसके बाद एक बार फिर मौसम शुष्क होने वाला है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगला पूरा सप्ताह दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहा, यानी कि बारिश बहुत कम होगी और उमस और गर्मी आपको सहनी पड़ेगी। अब बात करते हैं बाकी इलाकों की, यानी मध्य भारत की। तो मध्य भारत में अगर हम देखें तो बारिश की गतिविधियां काफ़ी अच्छी हो रही हैं छत्तीसगढ़ वगैरह में,
उड़ीसा वगैरह में, अब छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में तो बारिश होगी, और अब जो बारिश की गतिविधियां हैं अगले 24 घंटों के दौरान हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों में बढ़ जाएगी। और ये जबलपुर, उमरिया, दमोह, मांडला, नरसिंहपुर, देवास, सियोनी, इन सारे इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन जो पश्चिमी जिले हैं वो उन इलाकों में बारिश की संभावना काफ़ी कम है। राजस्थान में भी बारिश ना के बराबर होगी, ऐसे ही गुजरात का मौसम भी शुष्क और गर्म ही बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में बारिश और छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होगी। इस समय अमरोती में कल काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी जो विदर्भ में है, तो विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र में छिटपुट बारिश यानी कि पैची रेन होने की संभावना है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हो सकता है कि अगले 24 घंटों के बाद कुछ बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएं, लेकिन फिलहाल जो बारिश है वो जो दक्षिणी तटीय कोकण गोवा है यानी कि आप रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, बेंगलुरु, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश होगी और बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम होंगी। तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रह रही हैं और काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी कल आदिलाबाद और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी। रामागुंडम में भी काफ़ी तेज बारिश हुई थी। तो आज भी हमें उम्मीद है कि स्कैटर्ड पैची रेन तेलंगाना में होती रहेंगी। केरल और तटीय कर्नाटका में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। काफ़ी दिनों से जो मौसम थोड़ा सा डल बना हुआ था पिछले 2-3 दिनों से के दौरान हमने देखा बारिश की गतिविधियां बढ़ी। आप ये देखिए ट्रफ रेखा इस तरह से महाराष्ट्र से लेकर केरल तक जा रही है और नमी वाली हवाएं इस तरह से यानी इस इलाके में काफ़ी अच्छी नमी बढ़ा रही है, तो इन सारे इलाकों को काफ़ी अच्छी बारिश मिलने वाली है। हालांकि तमिलनाडु जो है उस इलाके में बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देंगी। कल भी बारिश नहीं हुई थी, अभी भी छुटपुट 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। रायलसीमा वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां कम होंगी। बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों मैसूर वगैरह में छुटपुट बारिश हो सकती है, बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। और जो तेलंगाना के साथ साथ जो तटीय कोस्टल यानी कि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, मत्स्यकाफलम, इन इलाकों में कुछ वेदर एक्टिविटी अच्छी होने की संभावना नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो पश्चिमी तट है इस इलाके में पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत के कुछ इलाकों में मानसून एक्टिव रहेगा और बाकी इलाकों को इंतजार करना पड़ेगा। जो भी अपडेट होगा, जिस तरह से मानसून आगे बढ़ेगा, हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।